Masha's Tales. अरे नहीं मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मैं सब्जियों के बगीचे को कीड़ों से बचा रही हूँ। ठीक है, जाने दो, मैं नहीं चाहती तुम बोर हो जाओ। तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुना देती हूँ। Jack and the Beanstalk. एक गांव में एक गरीब आंटी रहती थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था जैक। वो आंटी और उनका बेटा पूरा दिन अपने सब्जियों के बगीचे में काम करते रहते। जो भी उस बगीचे में उगता था वो दोनों बस वही खा लेते। फिर वक्त आया जैक की शादी करने का। गांव में इतनी लड़कियां थी जितनी बगीचे में गाजर होती है, पर उनमें से किसी ने भी जैक को पसंद नहीं किया। उनके इनकार करने की भी वजह थी, भला कौन लड़की अपने लिए ऐसा दूल्हा चाहती। उसकी पैंट पर जगह जगह चिथड़े लगे थे, उसके जूतों में बड़े बड़े छेद थे और उसकी टोपी एक पापड़ जितनी चपटी थी। कोई उससे शादी नहीं करना चाहती थी, बेचारे के साथ घूमने भी नहीं जाती थी। आंटी को पता था कि उसे अच्छे कपड़ों की जरूरत है, पर पैसे ही नहीं थे, तो वो इस बारे में सोचने लगी। वो काफी देर तक सोचती रही और फिर उन्होंने कहा, जैक मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें अच्छा दिखना होगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और हमारे पास अपनी गाय बेचने के अलावा अब और कोई चारा नहीं है। उन पैसों से तुम अपने लिए एक नया सूट खरीद पाओगे। इसलिए जैक ने गाय के गले में रस्सी बांधी और वो बाजार की ओर चल पड़ा। पर रास्ता बहुत ही लंबा और थकाने वाला था। जब वो बाजार के आधे रास्ते पहुँचा तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। वो अभी बस सोया ही था कि तभी उसे लगा कि कोई उसे जगा रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और उसके सामने थे एक बूढ़े अंकल। जैक को बड़ा ताज्जुब हुआ। तभी बूढ़े अंकल ने उसे कहा, मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी ये गाय खरीदनी है और तुम्हारी गाय के बदले में मैं तुम्हें दूंगा एक मटर का दाना। सच बात तो ये थी कि जैक अपनी गाय को बेचने के लिए मीलों चलकर बाजार तक जाना ही नहीं चाहता था। इसलिए बिना वक्त गवाए जैक इस सौदे के लिए मान गया। तो सौदा पक्का हो गया। बूढ़े अंकल को मिल गई गाय, जैक को मिला मटर का दाना और खुद से खुश होते हुए वो घर की ओर चल दिया। जब आंटी ने अपने बेटे को बिना गाय और बिना सूट के देखा तो वो बहुत डर गई। उन्हें लगा कि उसे रास्ते में लुटेरे ने लूट लिया था। पर जैक ने उनसे कहा, आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, जरा ध्यान से देखिए मुझे हमारी बूढ़ी गाय के बदले में क्या मिला। एक बिल्कुल ही नया मटर का दाना, और मैंने इतना हरा मटर पहली बार देखा है। आंटी ने उसकी ओर गुस्से से देखा और कहा, ओह तुम कितने ज्यादा नादान हो मेरे बच्चे। फिर उन्होंने वो मटर लिया और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। जैक को बड़ा अजीब लगा था, वो इतनी नाराज क्यों हो गई। उसने उबासी ली और झट से सो गया। जब सुबह सवेरे जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रातों रात वो मटर का दाना एक बहुत ही बड़े मटर के पेड़ में बदल गया था। वो मटर का पेड़ इतना बड़ा और ऊंचा था कि उसका ऊपरी हिस्सा ऊपर आसमान में बादलों के अंदर चला गया था। जैक को बादलों में एक गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो ये जानना चाहता था कि भला इतनी ऊपर कौन है जो गाना गा रहा है। इसलिए उसने मटर के पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। वो पहली बार गिरा, दूसरी बार भी गिरा। क्या उसे फिर से कोशिश करनी चाहिए? क्या फायदा होगा? हे सुनो ऊपर वाले, जैक ने चिल्ला कर कहा, क्या तुम मुझे इस पेड़ पर चढ़ने का तरीका बता सकते हो? पता नहीं क्यों मैं बार बार गिर रहा हूँ। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया और फिर ऊपर से उसके लिए एक बड़ी ही अजीब दिखने वाली रस्सी डाली गई। जैक उसके करीब गया और उसने देखा कि वो रस्सी एक लड़की की चोटी जैसी थी। जैक इतना खुश हुआ कि उसने चोटी को जोर से खींचा और एक खूबसूरत राजकुमारी ऊपर से नीचे ठीक उसके पास आ गिरी। जैक सही था, वो रस्सी उसकी चोटी ही थी। राजकुमारी ने अपना ताज ठीक किया, फिर बाव करके जैक से कहा, मुझे काफी सारी चोटें आई हैं, क्योंकि मुझे उन मटर के दानों पर सोना पड़ा था। थैंक यू मेरे भले दोस्त, मुझे इस पेड़ से नीचे उतारने के लिए। मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ, तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर क्या था, हो गई जैक की शादी। वो राजा बन गया और उसे आधा राज्य भी मिला। यही तो मैं कहना चाह रही थी,
हो सकता है मैं भी अपने सब्जी के बगीचे में कुछ इंटरेस्टिंग उगा दूं, जैक की तरह। पर मुझे देखना होगा कि मेरे प्यारे बगीचे में कोई कीड़ा ना घुस जाए। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मुझे जाकर पहरा देना है।